ये वीडियो है कैलाश विजय वर्गीय का बलात्कारी आशाराम की तस्वीर के सामने खड़े होकर गाना गाने वाले ये बीजेपी नेता वही हैं जिन्हें जनता से वोट मांगने में शर्म आ रही थी। जनता के आगे हाथ जोड़ना इनकी शान के खिलाफ लग रहा था जिस जनता की बदौलत यहां तक पहुंचे उन विजय वर्गीय ने टिकट मिलने के बाद क्या कहा था आप खुद सुन लीजिए भाषण देना और निकल जाना भाषण देना और निकल जाना ये सोचा था हमने हमने तो तो, तो प्लान ये बनाया था कि रोज आठ सभा करनी है पांच हेलीकॉप्टर से और तीन कार विजय वर्गीय ने कहा था कि बड़े नेता हो गए हैं अब हाथ जोड़ने कहा जाएंगे जिस जनता की बदौलत इंदौर नगर के महापौर बने लगातार छह बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं केंद्रीय नेतृत्व में पहुंचने से पहले 12 सालों तक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उस जनता के के आगे हाथ जोड़ना इन्हें गवारा नहीं है, है, खिलाफ लग रहा है। लेकिन एक बलात्कारी की तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हैं और तो और गाना भी गा रहे हैं अब लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है इसका नमूना है कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो एक ढोंगी और रेपिस्ट बाबा से बीजेपी वालों का यह प्यार बता रहा है कि बीजेपी के लिए सत्ता से ऊपर कुछ नहीं है विजयवर्गीय के इस वायरल वीडियो ने बीजेपी के चाल चरित्र पर सवालिया निशान खड़े कर दिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक से उम्मीदवार हैं। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के संजय शुक्ला से है टिकट मिलने के बाद से कैलाश विजयवर्गीय लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव है वो अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि वोट की आस में वो चुनाव प्रचार करने बलात्कारी आसाराम के समर्थकों के बीच भी जा पहुंचे सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि आसाराम के समर्थकों को लुभाने के लिए मंच से गाना भी गाने लगे ये वायरल वीडियो इंदौर की उसी सभा का है आसाराम के समर्थकों के साथ कैलाश विजय वर्गीय सोशल मीडिया पर छा गया है इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं लोगों का कहना है कि यह है बीजेपी की असलियत ये वोट के लिए कुछ भी कर सकती है एक ढोंगी और रेपिस्ट के सामने भी नतमस्तक हो सकती है बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले के नाम पर भी वोट बटोरने की कोशिश कर सकती है और ये दावा करते हैं महिला सुरक्षा का बता दें कि 15 अक्टूबर की शाम इंदौर के नरसिंह वाटिका में आसाराम के समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया था विजयवर्गीय वहां पहुंचे और आसाराम की तस्वीर पर फूल चढ़ाया ये है बलात्कार के आरोपी आसाराम के लिए बीजेपी का प्यार बीजेपी वाले उसकी तस्वीरों पर ऐसे फूल चढ़ा रहे हैं जैसे वो कोई महान आत्मा हो लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाला आसाराम जो इस समय जेल में बंद है बीजेपी नेता कैलाश विजय वर्गीय एक ऐसे आदमी की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे हैं कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, गा हैं। यह वीडियो बताता है कि बीजेपी वालों के लिए महिलाओं का सम्मान उनकी सुरक्षा उनकी इज्जत कोई मायने नहीं रखती मायने रखता है तो सिर्फ वोट उसके लिए चाहे किसी बलात्कारी के चरणों में ही क्यों ना बैठना पड़ जाए समय तेजी से वायरल हो रहा है इसके सामने आने के बाद से बीजेपी की धज्जियां उड़ रही हैं कुल मिलाकर कहें तो इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है आप जानते ही हैं कि आसाराम एक किशोरी की यौन उत्पीड़न के मामले में 25 अप्रैल 2018 को दोषी ठहराया गया था जिसके बाद से वो जेल में बंद है जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है इस तरह के तमाम आरोप आसाराम पर लगे थे आसाराम की सच्चाई से हर कोई वाकिफ है बावजूद इसके भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय उसके समर्थकों के कार्यक्रम में पहुंच गए उसके बाद उसकी तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए और तो और उसके लिए गाना भी गाया अब कैलाश विजयवर्गीय का ये कारनामा उनके लिए मुसीबत बन गया है और इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस भी खुलकर बीजेपी पर निशाना साध रही है कमलनाथ ने तो इस मामले में सीधा मोदी को घेर लिया उन्होंने कहा कि आसाराम के कार्यक्रमों में तो सबसे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे वहीं अभी तक बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जैसे दूसरे बाबाओं के यहाँ जाती थी लेकिन वोट मांगने के लिए बीजेपी नेता एक बलात् के तस्वीर पर फूल चढ़ा देंगे ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कर दिया अब उनकी इस हरकत ने पूरी बीजेपी की फजीहत करवा दी है इस वीडियो के सामने आने के बाद से कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की चर्चा तेज हो गई है जो उन्होंने लड़कियों को लेकर दिया था आपको याद होगा अप्रैल में उनका विवादित बयान सामने आया था उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को देवी मानते हैं लेकिन लड़कियां ऐसे अश्लील कपड़े पहनती हैं जिसमें वो सूर्पणखा की तरह दिखती हैं लड़कियों को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय की खूब आलोचना हुई थी ऐसे में अब जब आसाराम के लिए गाना गाते हुए उनका वीडियो सामने आया तो लोग कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है यानी विजय वर्गीय का आसाराम की तस्वीर पर फूल चढ़ाना पूरी बीजेपी को भारी पड़ गया क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठाएगी जिस सीट से विजय को मैदान में उतारा गया है उसकी बात करें तो बीजेपी ने इन्हें इंदौर की विधानसभा सीट क्रमांक एक से उतारा है इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा है 2018 में कांग्रेस के संजय शुक्ला को जीत मिली थी यानी कैलाश विजय की साख दाव पर लगी है इसलिए वो क्षेत्र में पूरे दमखम के साथ उतर गए हैं लेकिन इस वायरल वीडियो ने तो विजय को उल्टा फंसा दिया उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही है आसाराम की तस्वीर के सामने खड़े होकर गाना गा रहे विजय वर्गीय के वायरल वीडियो ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है सवाल उठ रहे हैं कि एक बलात् के कार्यक्रम में बीजेपी नेता आखिर क्या करने गए थे गाना गाना और फूल चढ़ाना तो बहुत ही बड़ी बात है उन्होंने इसमें हिस्सा ही क्यों लिया राष्ट्रीय लोकदल ने भी बीजेपी को घेरा कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि एक बलात् के समर्थन में भाजपा का नेता गाना गाता है और मीडिया उस पर चुप है अगर भाजपा की सरकार आई तो आसाराम जैसे बलात्कारियों को ज्यादा बल मिले वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से जारी खत भी सामने आया है इसमें लिखा है कि कार्यक्रम में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन के विधायक आकाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और उन्होंने आसाराम के चित्र पर माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राज में महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले बलात्कारियों को सम्मान मिल रहा है और महिला अधिकारियों को लाठी डंडे मिल रहे हैं इस वीडियो में इतना ही आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पर लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइएगा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल नाइनटीन इसको भी फॉलो कर लीजिए नमस्कार